बनी हुई। अब मैं 10 साल से बनियान नहीं पहन रहा, ये देखो आप। अच्छा। और खादी आश्रम से कपड़े पहनता हूँ सफेद। अच्छा। और सफेद ही अंडरवियर होएगा, सफेद ही ये होएगा, और ये जूता मेरे 2 साल चलते हैं। मतलब आम आदमी बाइक पे ना चले, साइकिल पे चले। तेल है, मैं तो ये कहूँ नेचुरल डाइट इस्तेमाल करो आप, रिफाइंड की जरूरत ही नहीं। खाना ही छोड़ दो। नहीं, खाना खाओ आप, नेचुरल खाओ, ककड़ी खाओ, मूली खाओ, गाजर खाओ, टमाटर खाओ। यूरिया के दाम बढ़े की नहीं बढ़े? यूरिया की डालने की जरूरत ही नहीं, आवश्यकता ही नहीं। इतनी बेरोजगारी आ गई, लॉकडाउन में नौकरियां चली गई लोगों की, तो गैस के, तेल के और पेट्रोल के दाम बढ़ा देना सरकार का अत्याचार नहीं लगता? नहीं, सरकार का बिल्कुल अत्याचार नहीं है। अच्छा। अगर आम आदमी, साधारण आदमी अपने जीवन को साधारण रूप से व्यतीत करे तो कोई बहुत ज्यादा एक फैमिली का खर्चा नहीं होता। मतलब आम आदमी बाइक पे ना चले, साइकिल पे चले। अच्छा, साइकिल पे चले। जी हाँ, मतलब देश हित में साइकिल पे चलना चाहिए। नहीं, कोई बुराई नहीं है साइकिल पे। अच्छा। साइकिल पे चलना कोई बुराई नहीं है। अच्छा। अगर आदमी की इनकम कम है तो उस हिसाब से उसको गुजारा करना चाहिए। और एक साधारण आदमी आराम से 4,000 रुपए में अपनी गाड़ी और बाइक बेच देनी चाहिए। मतलब नहीं, बेच देनी नहीं चाहिए, अगर उसकी इनकम कम है तो उसको उस हिसाब से अपना गुजारा करना चाहिए। वो बात तो ठीक है, लेकिन आपने जो कहा ना कि आम आदमी को साइकिल पे चलना चाहिए, किसी की मार्केटिंग की जॉब है मान लो, 12,000-13,000-15,000 या 10,000 रुपए सैलरी मिलती है, तो पेट्रोल महंगा होने से उसको दिक्कत आती है कि नहीं आती है? या फिर उसको भी साइकिल पे चलना चाहिए? नहीं, साइकिल पे नहीं चलना चाहिए, लेकिन उसके लिए सुविधा है, मेट्रो है या बस है या जो भी है, उसको अपनी व्यवस्था अपने हिसाब से करनी पड़ेगी। जो आदमी गाड़ी खरीद रहा है उसको पहले ही तय करना चाहिए, तुझे गाड़ी का इंश्योरेंस भी देना पड़ेगा, पॉल्यूशन भी देना पड़ेगा, मेंटेनेंस भी करना पड़ेगा, ये उसको फैसला करना। अच्छा, भी मैं गाड़ी लूं या नहीं लूं। तेल के दाम भी बढ़ा देना, पेट्रोल डीजल के भी और सरसों के तेल के दाम भी बढ़ गए, रिफाइंड के भी बढ़ गए, बहुत सारी चीजें महंगी हो गई, रसोई गैस 200 रुपए महंगा हो गया, तो क्या ये अत्याचार नहीं है क्या सरकार का कि आपने एक तो लोगों पहले से मरे पड़े हैं, ऊपर से आपने महंगाई भी बढ़ा दी, तो यह क्या अत्याचार नहीं है या मदद है लोगों की? नहीं, ये अत्याचार नहीं है। बाकी अगर आदमी को रिफाइंड है, तेल है, मैं तो ये कहूँ नेचुरल डाइट इस्तेमाल करो आप, रिफाइंड की जरूरत ही नहीं। खाना ही छोड़ दो। नहीं, खाना खाओ आप, नेचुरल खाओ, ककड़ी खाओ, मूली खाओ, गाजर खाओ, टमाटर खाओ, नारियल का जूस पियो, सादा कपड़े पहनो। अगर आप नारियल का जूस सस्ता आता है क्या? बहुत आराम से देखो, मैं जो है ना, ये 40 रुपए की सब्जी मैंने ली है अभी। अच्छा। 40-45 रुपए की। इसमें सारी नेचुरल डाइट है, मैं ना इसमें नमक डालूंगा, ना नींबू डालूंगा, ना इसको छीलूंगा, इसको भिगो के खाऊंगा, और मेरा 100 रुपए से ज्यादा खर्चा नहीं है डेली, और मैं अपने आप को फील गुड करता हूँ। यूरिया के दाम बढ़े कि नहीं बढ़े? यूरिया की डालने की जरूरत ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है। आप पशु पालो, गोबर डालो उसमें, और बहुत सी जैविक खाद चल रहे हैं, तो उसमें तो टाइम लगता ना, उत्पादन कम हो जाता है, हर कोई तो नहीं कर सकता ना। नहीं, हर एक क्यों नहीं कर सकता भाई, जो दूसरा आदमी मतलब कर सकता। सरकार से उम्मीद ना करे, अपने आप को सरकार के मुताबिक ढाल देना चाहिए। सरकार से पूरी उम्मीदें करनी चाहिए, और सरकार हर एक आदमी की उम्मीदों को पूरा कर रही है, और सरकार की। मैंने आपसे कहा, फिर से पूछता हूँ, आप एक बता दो भाई, मिडिल क्लास के लिए सरकार ने क्या किया? भाई मिडिल क्लास के ये महंगाई के अलावा क्या दिया है मिडिल क्लास? महंगाई गवर्नमेंट ने कोई, मैं तो महंगाई बिल्कुल भी नहीं मानता, नहीं गवर्नमेंट ने कोई महंगाई करी। पेट्रोल 70% के करीब चला गया, महंगाई ना आई। किसकी? टैक्स बढ़ा दिए सरकार। पेट्रोल, अगर जो आदमी गाड़ी ले रहा है उसकी इनकम है, जब ही तो गाड़ी ले रहा है। सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया ना, तो टैक्स बढ़ा दिया तो जनता के काम कैसे करेगी? अच्छा, मोदी जी करेगी जब सुविधा। अगर 2014 के चुनाव से पहले मोदी जी कह रहे थे कि ये फॉर्मूला अपना के टैक्स कम करके पेट्रोल को 40 पे लाया जा सकता है, तो जो पहले कहते थे वो अब इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे? देखो भैया, तो बढ़ा दिए कई गुना, बल्कि हर एक 3 मिनट के बाद, 1 सेकंड के बाद आदमी के विचार बदलते हैं, चाहे मैं हूं या आप हूं, कोई भी अपने विचारों पे नहीं टिक सकता। अच्छा। जो आप बोल रहे हो अभी थोड़ी देर पहले, कुछ बदलना वादा खिलाफी नहीं है क्या? नहीं, कोई वादा खिलाफी नहीं है, ये हम कुछ चीजें प्रकृति के हाथ में है। अच्छा। कुछ चीजें कानून जो है ना वो हमारे हाथ में नहीं है, उससे भी ऊपर कोई व्यवस्था है जो इसको चला रही है। मतलब ऐसे बिना लॉजिक के, मतलब इतना समर्थन देना सरकार? लॉजिक, एक नारा आपने सुना था, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। हाँ। तो वो उस वादे पे काम किया है क्या सरकार ने? नहीं, सरकार ने बिल्कुल उस वादे पे काम किया। महंगाई कम हुई है क्या? नहीं, महंगाई मेरे हिसाब से कोई ज्यादा नहीं हुई, महंगाई कोई ज्यादा कम हुई है क्या? नहीं, कम भी नहीं हुई। लोग तो कह रहे हैं, ज्यादातर लोग, अगर मैं 100 लोगों का इंटरव्यू लेता हूँ तो 90 उसमें से कहते हैं कि महंगाई ने कमर तोड़ दी है, तो वो मूर्ख है क्या? भाई मूर्ख नहीं है, वो विद्वान है। अब मैं 10 साल से बनियान नहीं पहन रहा, ये देखो आप। अच्छा। और खादी आश्रम से कपड़े पहनता हूँ सफेद। अच्छा। और सफेद ही अंडरवियर होएगा, सफेद ही ये होएगा, और ये जूता मेरे 2 साल चलते हैं। अच्छा। कपड़े के जूते एक, और साइकिल है मेरी, ये खड़ी है आपके सामने, ये खड़ी है हीरो, मैंने 4,000 रुपए में साइकिल, ये साइकिल है, और इसी से मैं सब्जी ले जाता हूँ, फल ले जाता हूँ, दूध लेके आता हूँ। आप कह रहे हो जैसे भाई आम आदमी महंगाई से त्रस्त है, तो उसके अपने आदतों में बदलाव करना चाहिए, जैसे बनियान नहीं पहननी चाहिए। अगर उसकी, लेकिन ये थोड़ी हम सिगरेट पिए, बीड़ी पिए, गुटखा खावे,
दाढ़ी को बढ़ा ले में, मतलब साबुन भी ना खरीदे, नहीं साबुन पानी से ना ले, वी हैव नॉट नीड टू शॉप। अच्छा वैसे ही ना हो आप सिंपल, अगर आप साबुन अलाउड नहीं कर सकते, साबुन तो नुकसान करती है हमारे शरीर के, तेल को खत्म करती है, साबुन को हमें यूज ही नहीं करना चाहिए। ये तो पुरानी परंपराओं को ला रहे हमारे मोदी जी, तालाब खुदवा रहे हैं, गांव गायों को पलवा रहे हैं, कोई महंगाई नहीं है। अच्छा इतनी महंगाई इसीलिए कर रहे हैं ताकि लोग अपने आते सुधार लें? महंगाई नहीं कर रहे, जब तक हम अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, जब तक देश नहीं सुधरेगा, जब तक परिवार नहीं सुधरेगा। मोदी जी ने कहा कि महंगाई कम करूंगा, मोदी जी ने कहा कि 2 करोड़ नौकरी हर साल मिलेगी, दोनों ही वादे पूरे नहीं हुए, तो आप इतना समर्थन कर रहे हैं कि जनता को भी चोर बता रहे, तो इसे अंधभक्ति नहीं कहते क्या? मैंने जनता को चोर नहीं बताया, मोदी जी ने जो कहा, नौकरी भी मिल रही है, बेरोजगारी की समस्याएं भी मिल रही है, स्लो एंड स्टेडी मिल रही है, समाधान तो नहीं मिल रहा? समाधान समस्याएं कम हो रही है, रोजगार और महंगाई पे अगर मोदी जी ने वादा पूरा नहीं किया तो उसके बावजूद आप कह रहे हो लिए आम आदमी 2-2 घंटा लाइन में लग रहा था, एक झोपड़ी में भी आज सिलेंडर घर पहुंच रहा है उसके, तो उसको खरीदने की औकात तो नहीं रही? 350 से सिलेंडर अगर मान लो 800 के करीब चला गया तो आम आदमी खरीदेगा कहाँ से? एक कितने दिन चल जाता सिलेंडर बताओ आप? 1 महीना सिलेंडर कितने आदमी के लिए? 2 टाइम तो खाना, 3 टाइम तो बनेगा। हाँ नहीं बताओ, 3 टाइम खाना कितने दिन सिलेंडर चल जाएगा बताओ आप ही बताओ आप? इधर आ जाओ आप, इधर आ जाओ। 1 महीना नहीं, 1 महीने नहीं, 1 महीना 8 आदमी का परिवार में मेरा है जी, 8 आदमी का परिवार है मेरा। अच्छा। 1 महीना चलता है। अच्छा हाँ जी। सिलेंडर भरवाना आसान है क्या आज के दिन? बहुत ही मुश्किल है, इसलिए मुश्किल है कि कांग्रेस के राज में 350 या 400 रुपए का सिलेंडर मिलता था और बीजेपी के राज में 800 रुपए तक सिलेंडर पहुंच चुका है। एक बात बताओ, महंगाई ये कह रहे कि बनियान तक छोड़ दी मैंने पहननी, इसीलिए छोड़ दी जी, महंगाई है। जो बनियान 30 रुपए 40 रुपए 50 रुपए की आती थी, आज की डेट में 125-150 रुपए की है, इसलिए महंगाई है। आम आदमी के बस की खरीदना नहीं है। ये कह रहे कि सब कुछ खरीदना ही नहीं है आम आदमी के बस के, आपको सिलेंडर नहीं मिलता क्या? आपको कौन सा नंबर है? आप अभी फोन मिलाओ और कितनी देर में आपके पास महंगा मिलता है? ये कह रहे सुनो मेरी बात, महंगा मिलता है ये कह रहे। आधे डबल देकर खरीदा तो कुछ भी खरीद सकते हो, डबल देकर, लेकिन डबल देने बस की नहीं हमारे। ये कह रहे नौकरियां भी मिल रही है, कुछ नहीं है, बेरोजगारी बेरोजगारी है। जिसके पास पैसा है उसके लिए नौकरी, जिसके पास पैसा है उसकी नौकरी, बताओ गरीब आदमी की कोई नौकरी नहीं। बताओ कौन पैसे वाला और किसको नौकरी मिली? चला रहा हूं ड्राइवर। हां जो ये कह रहे हैं भाई साहब, एक गए अभी कह रहे पोस्ट ग्रेजुएट हूँ फिर भी नौकरी ना आए, कहीं भाई मोदी जी कह रहे थे मैं सब कुछ काया पलट कर, जो जिसके योग्य है, जो जिसके योग्य है उसको नौकरी मिलेगी, पेपर देगा, कंपटीशन देगा, ऐसे थोड़ी मतलब नौकरी नौकरी जो कर रहे हैं। मुद्दों की बात करने की बजाय आप इतना समर्थन कर रहे हैं सरकार का, ये अंधभक्ति नहीं क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ, ये अंधभक्ति नहीं है, ये सही भक्ति है, नए भक्ति की बात। मैंने तो जो भी हमारे देश के लिए किया सरकार ने, मैंने तो वो बताया। तो ये आपने मोदी समर्थक इन बुजुर्ग की बातें सुनी जो कह रहे हैं कि मोदी जी लगातार देश हित में काम कर रहे हैं और जो लोग महंगाई और बेरोजगारी की बात कर रहे हैं उनको अपने दायरे में रहकर जीवन जीना चाहिए। आप ऐसी बातों पर क्या सोचते हैं कमेंट